बहन जी क्यों नहीं आई? अरे यार, मैंने ही मना किया था। मैंने कहा कि मैं अपने जिगरी यार अहमद के घर बस मैं ही जाऊंगा और इसी बहाने भाभी के हाथों की चाय भी पी लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे ना आप लोग। अस्सलाम वालेकुम शफी भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? ये शादी का जोड़ा हमारी सारा बेटी के लिए। शुक्रिया। माशाल्लाह ये तो बहुत ही प्यारा है। अरे हमारी बेटी भी तो बहुत प्यारी है ना। यकीन कीजिएगा, शादी के दिन जब वो ये जोड़ा पहनेगी ना तो शहजादियों जैसी लगेगी। इंशाल्लाह। आप लोग बैठिए ना प्लीज। बैठो। वो चाय वगैरह तो कुछ मैं भी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप तो बैठे हैं, आपसे बहुत सी बातें करनी है और वैसे भी रिश्ते में आप हमारी समधन भी तो लगी। चाय तो हम भाभी के हाथ की पियेंगे। नहीं नहीं, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं बहन, आप तो बैठी रहें। ये बताएं, जोड़ा कैसा लगा आपको? वैसे दुल्हन रानी कहीं नजर नहीं आ रही। बेटा वो अपने कमरे में है। अच्छा, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। ये जोड़ा भी मैं ही लेके जा रही हूँ। ठीक है। शफी भाई, आपने तो हमारी बेरंग जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए हैं। आखिर दोस्त किसका है ये? अरे बहन, ये तो सब कुदरत के कमालात हैं। अचानक अहमद से मुलाकात हो गई और यहाँ सारा जैसी मासूम सूरत बेटी मिल गई और फिर बात बन गई। बहन, ये तो सब उसी के खेल हैं। वो जो चाहता है, जिसे चाहता है, जैसे चाहता है, उसके ताने बाने, उसके असबाब सब खुद ब खुद होते चले जाते हैं। बेशक। लो जी, चाय आ गई। लेकिन आज मैं तुम्हें खाना खाए बगैर जाने नहीं दूंगा। दो बार मुझे चकमा दे चुके तुम। अरे मुझसे चकमा खाना तो तुम्हारी पुरानी कमजोरी है। और भाई, जहां तक रही खाने की बात, तो खाना तो अब हम तभी खाएंगे जब बारात लेकर आएंगे, क्योंकि बारात के खाने में बरकत बहुत होती है। इसका मतलब है शफी भाई कि खाना आप सिर्फ शादियों पर ही खाते हैं। आप खुश हो? अरे बहन, आपने तो हमें लाजवाब कर दिया। अरे आप बिस्किट लेने। चलिए, बहुत शुक्रिया। वैसे जैन भाई, जब आपको इस लिबास में देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। अच्छा काम है ना, अम्मी जान ने खुद पसंद किया आपके लिए। आप थैंक्स कह दीजिएगा उनको। अरे भाई, मैं क्यों थैंक्स बोलूं? आपकी सास है, जब आप उस घर में आएंगी तो खुद ही कह दीजिएगा। वैसे आप सोच क्या रही हैं? नहीं, कुछ खास नहीं। वाह भाई, अब हमसे भी छुपाएंगी? यकीनन अपने आने वाली जिंदगी के ख्वाब देख रही होंगी आप। खुली आंखों से देखे ख्वाब कब पूरे होते हैं? हाँ भाई, ख्वाब देखने के लिए तो सोना पड़ता है। यही कह रही थी मैं। आप बैठे ना, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, मामू जान बाहर वेट कर रहे हैं, हमें कहीं पहुँचना है। वैसे भी आपने जोड़ा तो पहन के नहीं दिखाया। चले, वो दिन भी करीब है। ख्याल रखना अपना।